Hello. शांति तू ने कैसे हाल बना रखा रे? ये तू ने मुझे कैसे हाल बना रखा शांति? हरे पैशन में तेरा स्वागत, तूने जीवन के साथ तेरे लिए थे अग्नि को साथ ये मानते हो, तूने मुझे अपना सुहाग बना था। राहुल आ गया, राहुल बेटा, हमने कहा था राहुल जरूर आएगा, तू राहुल है ना, कहाँ चला गया था? शांति बेचारी, अरे मैं 4 साल जेल रहने के बाद आज मैं अपने घर आया और तू मुझे भूल गई। अरे मैं तेरा स्वागत भूल जो शांति, ये तूने कैसे हाल बना रखा, ये तुमने कैसे हाल बना रखा? चुप चुप चुप, बोलना नहीं, नहीं राहुल हमारा जाग जाएगा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, वो अपना फर्ज निभाना, दूध के कर्ज चुकाना, तू दूध के कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। शांति पहचान, अरे पहचान, हम तेरे स्वागत पहचान शांति, अरे तुझे कैसे याद दिलाऊं रे, मैं तुझे कैसे याद दिलाऊं कि मैं तेरा स्वागत हूं। सुहाग नहीं तो कटहल शांति, हाँ जिसके सपने घने रोज या तेरे के लुभाते रखे, ये बता दो कभी तू बगी तो नहीं, बगी तो नहीं, जिसके सपने हमारे याद रखे, लुभाते रखे, ये बता दो कभी तू बगी तो नहीं। शांति पहचान में तेरा स्वागत शांति, पहचान में तेरा स्वागत शांति, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपने सलाना, कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न खाना। ये तूने कैसे हल बना रखा, ये तूने अपने कैसे हल बना रखा? स्वामी जी आप जानना चाहते हो कि ये रूप मैं कैसे बना कर रखी हूँ? मैं पागल नहीं हूँ स्वामी, पागल तो हमें बनाया गया है, पागल तो उस पठान और कोटेदान ने बना दिया स्वामी। तुम्हारे जाने के बाद उस प्रधान ने हमारे घर आया और अपने आदमियों से कहकर हमें रस्सियों से बंधवा दिया, मिट्टी के तेल डालकर हमारे ऊपर और हमारे घर को आग लगा दिया, हमारा घर सब कुछ जल के खाक हो गया, और मुझे बचाने के लिए हमारा बेटा राहुल आया, जैसे हमारा राहुल बेटा आया मुझे बचा रहा था, ने कहा बेटा राहुल मुझे मत बचा, ना जाने पता नहीं उस प्रधान और कोटेदार ने हमारे बेटे राहुल को गोली से मार दिया।
राहुल बेटे ने हमारे इन्हीं गोद में तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। स्वामी मैं अपने बेटे की याद में पागल हो गई। सुनती है जिन गधों ने तुझे पागल बनाए है जिन स्वामी उस प्रधान के आदमियों ने हमें गोली से मार दिया, लेकिन आपको हमारी सौगंध है, जब तक उस प्रधान और कोटेदार को जान से नहीं मारोगे हमारी आत्मा शांति नहीं मिलेगी। स्वामी हमें बचा दीजिए। देखो हमारा बेटा राहुल मुझे कोई बुला रहा है, मुझे मेरा बेटा राहुल बुला रहा है। स्वामी तू मुझे छोड़ के चली गई, कसम है तेरे खून की, कसम है तेरे लोग की, जिनका धन तुझे मारा है मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा, मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा। चल करण मेरी पत्नी की चिता उसी दिन जलेगी जे तेरे मेरा गांव आजाद होगा। ले चल ले जा। उस पागल को तो जान से मार दिया है, अब बचा है बिरजू और करण, दोनों की चिता में एक साथ जलाऊंगा। शराब लो करते तब ठहर जब वहीं पे जोर कदम रोक ले बांध कर जा। तब ठहर जब वहीं पे कदम रोक ले वरना गोली तुम्हें जिंदा खा जाएगी। आज गिन गिन के बदला रामचंद्र तू क्या मुझे मौत की सजा देगा? आज फैसला तेरे मेरे बीच होगा। एक जंगल में दो शेर नहीं रहेंगे, या तो फिर तू रहेगा या फिर मैं। और क्या जंग में या तो तेरी मौत होगी या तो मेरी मौत होगी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया कैर सिंह, तो वो गद्दार है। बोल तूने मेरी पत्नी को मारा, एक पागल औरत को नहीं छोड़ा हरा दादा। बिजू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बिजू, माफ कर दू हराम सा। जब देश के रक्षक के देश के भक्षक बन जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा करण? ये तेरा शिकार है, क्योंकि तुझे भी इस गद्दार ने खून के झूठे जमे जेल करा था। किस हाल में लग रहे हो? हाथ जोड़ के खड़े हो? लगता मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, याद कर लो खूब, अपना माइंड तेज चलाओ, तुम्हें शायद याद आ जाएगा। नहीं आया समझ में? तेरे सामने वही करण खड़ा है, वही करण खड़ा है जो तेरे सामने रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, तो तूने क्या कहा, क्या कहा था कुत्ते?
एक थप्पड़ा मारे रहा हकला बंद हो गया। एक थप्पड़ में हकलाना बंद हो गया। हाँ और ना पीछे में चलो बद के रहना वरना तुम्हारा बासुरी भी ठीक हो जाएगा। जैसा तूने कर्म किया वैसे भोगना पड़ेगा। ले तेरी बात भैया चल कोटेदार, मैं तेरी हवेली कर रहा हूं। उठा बंदूक का बरसाता। चले भैया गल्ला ले ले, नहीं कहूं गल्ला ना मिली का हम गला का क्वार्टर सी। राम राम कोटेदार। क्या कहते हो बर खुर्दा? गल्ला दे खाले। अरे श्या बस्तुवान कोटेदार जी, गल्ला देना है तुमको कि नहीं? ये बाप है कहानी तूने ही शुरू की थी, तूने ही मेरी बहन के दामन को पकड़ के खींचा था नो करण मार हराम दा। देखो इसने काम वालों को गल्ला देने से आना का नहीं किया था। मार से मार कुत्ते, आज मैं तुझे ले कोटेदार। मैंने कहा था ना तेरी मौत भर के आऊंगा। क्या आज मैं तेरी हवेली कर रहा हूं, और ये मेरा हिसाब चुकाना होगा। हम साथ आओ। चलिए भैया प्रधान प्रधान कहना कि मेहरुआ नहीं आया तो तुमका कॉलोनी मिली। मेहरुआ के बुढ़ाए चलो का खटिया। अब प्रधान से नहीं चलो कॉलोनी ले ली जाए मती। औ भैया कॉलोनी लिए को सरकार प्रधान काका राम राम। राम राम क्या बात है? क्या बात किसने? ये हम सोची रहा कॉलोनी में दे दियो। कॉलोनी? हाँ क्या तुझे कॉलोनी मिली क्या? का भाई महीन देव तो महीन कह रहा मेहरुआ ले तुरंत मिल जा। मेहरुआ के बुढ़ा उसका खटिया मान के लान जा चौपाल पर है तुम्हारे। चलो हम का कॉलोनी दियो। कॉलोनी अगली बार ले लेना। फिर चली पांच साल गाने मरे तुम्हारे साथ। अरे प्रधान जी, अरे हम बच्चे कॉलोनी के परेशान हो गया। मतीन आए रहे घर रहे परती मियां कॉलोनी दे देते हो वहीं बनवा ले। देखो ऐसा है सरकार कॉलोनी मिल जाएगी कि अगली बार दूंगा। अगली बार मैं कॉलोनी अब दियो यही लाके दियो तुम्हारी बहन महादारी से हाथी चाले। क्या कहा? कॉलोनी दे देंगे। नहीं के ना मारे ना मारे तुम्हारे बहन। क्या रहो आज प्रधान तेरी गांड को जा। हाँ ये क्या कहे मार दे मार दे बहन। अब अकील मार दे तेरे समदरगंज के चोर साले तो तुम कहे जंगल मत। भैया
कठोर है, पहचाना पहचाना सूअर के बच्चा, ये वो हाथ है, इन्हीं हाथों ने मेरे बेटे को मारा था ना, ये वो हाथ है, इसी हाथों से तुमने मेरे पिता को मारा था, और ये वो हाथ है, तूने मेरे घर को जलाया, आज हाथ तोड़ूंगा, आज हाथ तोड़ूंगा। प्रधान गांव का भगवान माना जाता है, लेकिन तूने जनता के साथ अन्याय किया है, करान बुला गांव वालों को, ये प्रधान जी कालूनी दे रहे हैं। हाँ, फटकी के पास आओ, फटकी के पास। गांव वालों, ये वो दरिंदा ही। इलेक्शन से पहले सारे गांव वालों से वादा किया था, इस बार में इलेक्शन जीत जाऊंगा, गांव में विकास की गंगा बहा दूंगा। मेरी बहन ने इसे वोट दिया था, लेकिन उसे बलात्कार करके इसने मार डाला। तुम्हारा कह रहा है गांव वालों? भैया वोट दे करके हम लोग प्रधान बनाया था और फूलों का हार पहनाया गया था, ऐसे प्रधान हमारे गांव में रहेंगे तो गांव का भविष्य बिगड़ जाएगा। इनका कपड़ा उतराए के जूता चप्पल का हार पहनाया जाए। तुम्हारा कहना सत्य गांव वालों? पैरान कुत्ते को जूतों का हार, ताकि भविष्य में कोई प्रधान हमारे गांव के साथ ऐसा न्याय न करे। सब लोग तालियां बजाना, और प्रधान जी हार पहनने जा रहे हैं। मैं तेरा प्रधान हूँ भाई। हाँ प्रधान है तो हमने प्रधान, तुम जब हमारे एक थपरा मार दी कुछ नहीं कर पायो, बधाई छोड़ा ले में एक थपरा मार दी, हकला बंद हो गई, तो तुम्हारे हम प्रधान हो गए, सेवा करना सेवा, हम तो लोग ताली बजाओ स्वागत करी। यही दिया ई प्रधान के चिमचा इन्हें पहने घूमत आते हिस्सेदारी है सारा तरफ का व्यक्ति तो ठीक है बड़े नीक हो सरकार तू बोले प्रधान को मारेगा तुम जाले जब हमका जूता चप्पल पहना सका था तो तुमका हम इनके काम इनका इज्जत कोई 100 रुपया दे इनका सर नंगे कर दिया बात मेरी माता कोई 100 रुपया दिए इनका आप लोग इनके काम नंगे कर कोई नहीं देगा हमारा काम कंजूस ले आज के बाद तेरी कहानी में खत्म करता क्या अरे तरह से मेरे गांव फिर जाऊंगा और तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा झोली भर के जाऊंगा और आइए आज की रात हमारा ड्रामा देख रहे थे जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। आइए सुबह का वक्त है, एक दो गीत होंगे।